अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जया वर्मा सिन्हा। ये पहली महिला अध्यक्ष है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जिसमें अंतरिक्ष में से पहली सेल्फी ली है? इसका क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प है बी आदित्य L1। विकल्प बी आदित्य L1 आदित्य L1 और इसमें जया वर्मा और इसमें अर्जुन मेघवाल। तो इस तरह से जो है कि आप प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न में आप लोग को आगे ट्रिक भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है थर्मन सन मुगलम। विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंजामिन नेताहून। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विराट कोहली 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे कम मैचों में बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो 277 पारी में ये रन का आंकड़ा पार किए हैं। इतना कम पारी में किसी भी जो है कि बल्लेबाज द्वारा इतना रन नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये हॉकी का पूछ रहा है कि किसने जो है कि ये खिताब 2023 का जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। और जर्मनी ने किसे हराया था, इस प्रश्न का जो है कि थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। जर्मनी ने जो है कि किसको हराया था, ये जो है कि ये बेल्जियम को हराया था और ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हराया था। तो ये जो है कि इस प्रश्न को ऐसे ही हम देख रहे हैं और बेल्जियम को शूट आउट में कितने से हराया, 5-4 से हराया। इसी के साथ जर्मनी ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, पहला 2002 में और दूसरा 2006 में और तीसरी बार जो है कि 2023 में ये जीता है। उप विजेता कौन था, बेल्जियम था। आयोजन स्थल भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा में है। और कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था और इसका शुभंकर क्या था, ओली था। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न से जो संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उसे आप लोग जो है कि यहाँ से भी ट्रिक्स संकेत से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 82 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया था, फुटबॉल खिलाड़ी पेले का जो है कि क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये कहाँ का था, विकल्प डी ब्राज़ील का था और 3 बार जो है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम का सदस्य रहा है। अगला प्रश्न है, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का विकल्प बी है रजत पदक जीता है। ये देखिए दिया है नीरज चोपड़ा के बारे में, नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। तो इस तरह से ये प्रश्न अगर इससे संबंधित पूछता है तो यहाँ पर
कुछ जो है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिया गया है, उससे आप लोग जो है कि क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। हाल ही में कौन सी योजना, गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह जो है कि कर्नाटक के द्वारा, विकल्प सी, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत एक परिवार की महिला मुखिया को सरकार से प्रतिमाह 2000 रुपये मिलेंगे। किस योजना के तहत? गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला को कितना मिलेगा? 2000 रुपया मिलेगा। और किस, कौन सा राज्य शुरू किया है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है आपका R. Madhavan, विकल्प बी R. Madhavan। आर माधवन जो है कि ये क्या हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उन्होंने राकेटरी द नावी इफेक्ट से अपने निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII की स्थापना 1960 में किया गया था। इसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह पुणे में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो है कि देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो है कि मैं छोड़ करके सभी क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को मिल रहा है। और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप जो है कि आसानी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मनीष देसाई। मनीष देसाई बने हैं। और मनीष देसाई के बारे में थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मनीष देसाई इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस IIS अधिकारी हैं। इससे पहले वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC के प्रमुख थे। PIB की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगर इस प्रश्न को पूछ देगा कि PIB की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में। और PIB का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। PIB का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डूरंड कप 2023 किसने जीता? किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मोहन बगान। मोहन बगान ने जीता है। विकल्प सी सही है, मोहन बगान। अब इस प्रश्न का भी थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि मोहन बगान डूरंड कप इतिहास में 17वां खिताब जीतने वाली पहली टीम है। कौन सा खिताब? 17वां। ईस्ट बंगाल 16 खिताबों के साथ डूरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। ईस्ट बंगाल कितनी बार जीती है? 16 बार। यह टूर्नामेंट का टोटल संस्करण कौन सा है? तो 132वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 132वां संस्करण था। तो इस प्रश्न से भी अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है कि इससे संबंधित तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? किस देश की पहली महिला प्रभारी बनी है? ये पाकिस्तान की बनी है। ये किस देश की बनी है? पाकिस्तान की। विकल्प ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सांची में किया गया है। सांची में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2070 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी की तहत
परियोजना शुरू की है? इस प्रश्न का उत्तर है तमिलनाडु, विकल्प ए तमिलनाडु। इस प्रश्न से संबंधित कुछ जो है कि डिटेल देखिए क्या है। इसका उद्देश्य राजकीय पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी की तहर योजना की घोषणा की है। नीलगिरी तहर परियोजना की घोषणा की है। तो इस तरह से जो है कि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला, भारत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गुजरात में। भारत ने दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। युद्ध के मैदान में या डिजास्टर की लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार किया जा सके। तो इसमें ये सुविधा दिया गया है। और इस तरह के आप लोगों को कुछ न कुछ हर प्रश्न में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 8 सितंबर। 8 सितंबर। अब इस प्रश्न से संबंधित देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इसका क्या है 2023 में परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण जो है सभाओं की नींव का निर्माण विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएगा, ये इसका थीम है। और अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लूला डा सिल्वा। विकल्प सी सही है। लुई इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियल है। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? इस प्रश्न का थीम था या सही उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। विकल्प ए सही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका जो है कि थीम है। अगला प्रश्न है, G20 के शेरपा का नाम बताएं। शेरपा का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप देखिए क्या दिया है। तो ये कह रहा है कि G20 के शेरपा अमिताभ कांत है। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है। यानी शेरपा का काम क्या है? देश के भीतर के एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर क्या है? एक गायिका भी है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित कर रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पुणे। नगर का जो है कि क्या है, नगर निगम ग्रीन विलियम्स जो है कि के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसके प्रयोग करने योग्य से ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन करेगा। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न तो जो है कि सबको पता होगा, जो खेल से संबंधित होंगे उनको तो पता होगा, इसका उत्तर भी आप लोग दे दिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोको गाफ। विकल्प बी कोको गाफ। इस
इसका डिटेल में थोड़ा सा देखिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में अमेरिका की कोको गाफ ने पहली बार महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ये खिलाड़ी पहली बार जो है कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीती है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने किस देश को हराया है? बेलारूस की आर्याना सबालेंका को हराया है। आर्याना सबालेंका को हराया है। तो इस तरह से आपको जो है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको मिल जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। विकल्प ए सही है, नोवाक जोकोविच। ये यूएस ओपन टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के डेनियल मेडवेडेव को हराया। कहाँ के? रूस के। अगला प्रश्न है, चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण किया गया। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शिव शक्ति पॉइंट। और ये चंद्र वहाँ पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुरा। विकल्प ए त्रिपुरा सही है। इस त्रिपुरा से संबंधित जो है कि 929 शुरू किया गया त्रिपुरा में, तो इसका जो है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रथम कार्यकारी कौन थे? सुकुमार सेन थे। पूर्ववर्ती कार्यकारी सुशील चंद्रा थे और वर्तमान कार्यकारी राजीव कुमार हैं। इस समय मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हैं? राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, इसरो गगनयान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी व्योममित्र। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला मिशन गगनयान है। इसका मकसद यह तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेस क्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। फिर स्पेस क्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद एक महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यही व्योममित्र को पूछा है, यह इंसान की तरह सारी एक्टिविटी कर सकेगी। ये सारी एक्टिविटी कैसी करेगी? इंसान की तरह करेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। विकल्प ए सही है, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। अगर पूछेगा कि पहला देश कौन था, तो पहला देश जर्मनी था, दूसरा चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प उड़ीसा। इसमें प्रश्न के बारे में देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। किसने किया? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के हैं। और उड़ीसा के किस शहर में? राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े जो है कि स्टेडियम को जो है कि उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में भारत में होने जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। श्रीलंका
की राजधानी क्या है, कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकन रूपी है। राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रम सिंघे है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। तो इस तरह से जो है कि इस की मेज़बानी यानी श्रीलंका के बारे में आप लोगों को जो है कि संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हुई। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, ये प्रश्न हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो है कि विकल्प बी केरल, विकल्प बी केरल। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार यानी द राइट टू इंटरनेट को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया है। किस रूप में किया है, फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निर्देशक मिली है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क विकल्प बी। खबरों में रहा किलाउला ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अमेरिका, हवाई यानी यूएसए हवाई अमेरिका। इसका थोड़ा सा डिटेल, अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसके पड़ोसी माउना लोवा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछेगा तो माउना लोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई स्कूल, पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल, विकल्प बी केरल। इससे संबंधित और पॉइंट देखते हैं, विकल्प बी केरल। और यह भारत का पहला एआई स्कूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एआई स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। सबसे पहले एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा, यानी ये जो है कि एआई के बारे में सब बताया जा गया है। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रियन सेन, विकल्प सी प्रियन सेन। प्रियन सेन के कौन है, तो प्रियन सेन वियतनाम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस अर्थ इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। ये भारत में कहाँ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मुंबई, विकल्प सी मुंबई। गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल 2023 अब तक मुंबई पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। किसका काम है, ऑपरेशन मुस्कान, ये मुंबई में गृह मंत्रालय की परियोजना है और इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना और उन्हें बचाना है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रामनाथ कोविंद, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, एक समिति का गठन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा
दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद के जो है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद के बारे में, भारत में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1902 में, 1902 में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर रवि कन्नन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा ये संक्षिप्त जानकारी, यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समक्ष माना जाता है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र के परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। इसके याद में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इस पुरस्कार का गठन किया गया था। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आईजी ड्रोन्स। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब में जो है कि विकल्प ए, सऊदी अरब में इसका जो है कि आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना है। भारत की अध्यक्षता अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA द्वारा किया जा गया। अगला प्रश्न है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संजय कुमार अग्रवाल इसके जो है कि अध्यक्ष बने हैं। आइए संजय कुमार अग्रवाल के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं और संजय कुमार अग्रवाल CBIC के अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी की जगह लेंगे। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आरबोनी गैब्रियल को, विकल्प ए सही है। ये US की रहने वाली है और 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट चुनी गई है और पिछली विजेता भारत की हरनाय संधू ने उन्हें ताज पहनाया। अगला प्रश्न है, 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। विदिशा मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगला प्रश्न है, नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। विकल्प डी, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने नासा के लिए X-59 क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी विमान को बनाने का काम पूरा किया है।
X-59 विमान पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा कर सकता है। यह लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 1500 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। हाल ही में हुन मानेट देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नामपेन है। और कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडिया रियल। कंबोडिया रियल। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया है? लूना 25 लॉन्च किया है, उसका नाम है रोस्कोमास, यानी विकल्प ए, रोस्कोमास। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है कि बोगुस्वाली क्रेटर पर उतरेगा और चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। ये जो है कि अपडेट, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। ये जो है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया था। इस प्रश्न का जो है कि ये रोस्कोमोस जो है कि ये रूस का एजेंसी है। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस कंपनी ने द बिस्टा नाम से अपना नया लोगो लॉन्च किया है? नया लोगो लॉन्च किया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है एयर इंडिया। विकल्प ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। संस्थापक कौन है? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। और CEO कौन है? कैंपवेल विल्सन। और अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। यानी इससे संबंधित आप लोगों को अन्य जानकारी भी प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शुभमन गिल। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। वह अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। यानी शुभमन गिल ये 5वें भारतीय हैं और ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं जो दोहरा शतक लगा चुके हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। विकल्प बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मायरा ग्रोवर। हाल ही में भारतीय मूल की मायरा ग्रोवर को UK संसद द्वारा सशस्त्र महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने विकल्प सी, अनवारुल हक। विकल्प सी सही है, अनवारुल हक। अगला प्रश्न, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 69वां संस्करण कहाँ होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। विकल्प डी, केरल। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिस। विकल्प बी, क्रिस हिपकिस। इनको चिप्पी के रूप में भी विख्यात हैं। हिपकिस ने COVID-19 से निपटने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिस और राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? उत्तर होगा अमेरिका। विकल्प बी, अमेरिका।
विकल्प बी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को अगले साल 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। इससे पहले 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे, यानी 23 में कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को देश पराक्रम दिवस मनाता है ताकि लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उन्हीं के दिवस जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? लवलीना बोरगोहेन को, हरमनप्रीत सिंह को, यानी ए और बी दोनों को बनाया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, ए और बी दोनों को बनाया गया था। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोऊ में किया जा रहा है। एशियाई खेल प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। कितने साल पर आयोजित किया जाता है? प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ है? 1951 से। एशियाई खेल ऑर्गेनाइजर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के द्वारा जो है कि इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC की ODI रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बने हैं, शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद सिराज, विकल्प बी मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास ऑपरेशन सजग किसके द्वारा आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यह कि भारतीय तटरक्षक बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है 61 का बी। यानी भारतीय तटरक्षक बल को बनाया गया है, और ऑपरेशन तटरक्षक सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, अध्यक्ष राकेश पाल हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इटली में है। माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली मेट्रो। कार्बन मेट्रो ट्रेवल नाम से नई योजना शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूक करना है ताकि हर व्यक्ति भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान दे सके। भारत ने 2070 तक इस लक्ष्य को पाने का समय सीमा तय की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है कजाकिस्तान, विकल्प बी कजाकिस्तान। फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। इसका मुख्यालय लासेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? अर्कडी ड्वाकोविच, और उपाध्यक्ष है विश्वनाथन आनंद। इसका अपडेट ये है कि नॉर्वे के 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने
मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व कप फाइनल के पहले ट्राई बेकर में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को हराकर खिताब अपने नाम किया। रमेश प्रज्ञानंदन को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस प्रश्न में जो भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ होगा वह कौन सा जो है कि राज्य है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, गोवा। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईयूआई फैसिलिटी को लॉन्च किया है, यानी गोवा में ये सुविधा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है। नया ब्रांड अम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प बी शांति निकेतन। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन सा बना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, होयसल मंदिर। इसे जो है कि होयसल मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसे हेलेबेडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है। यूनेस्को में जो है कि इसको क्या किया गया है, 42वां जो है कि भारतीय स्थल के रूप में दिया गया है। फाउंडर कब हुआ था इसका, यूनेस्को का कब बना था, 16 नवंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पार्क पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और हेड आर्कोडी है, डायरेक्टर कौन है, ऑड्री आर्कोडी हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मिशेल योह। अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वॉस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। इस प्रश्न को जो है कि देख लीजिए, मिशेल योह का जो पिक्चर कौन सी है, द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट बज। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट 2023 किसने जीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने जीता है, जो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया। यह भारत का 8वां एशिया कप खिताब है। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो इस प्रश्न को देखिए, रविंद्र जडेजा। और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, जो है कि कुलदीप यादव को मिला था। मैन ऑफ द श्रेष्ठ कैच किसको मिला था, रविंद्र जडेजा को मिला था। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी ये तो हो चुका है ब्रिक्स का सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था अगस्त में। ये जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया गया है ब्रिक्स में क्या हुआ है, तो ब्रिक्स का पहले पूरा नाम क्या है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। ये जो है कि इसके सदस्य देश है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था,
16 जून 2009 को मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने से मध्य पूर्व अफ्रीका व अफ्रीका अमेरिका में इस समूह का प्रतिनिधित्व तो बढ़ गया है। इनकी पूर्ण सदस्यता कब हो जाएगी? जो नए देश शामिल हो रहे हैं इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इनकी पूर्ण सदस्यता कब से लागू होगी। तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से। अगला प्रश्न, किस देश में नेविगेलेरिया फाइलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला पाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दक्षिण कोरिया। विकल्प ए दक्षिण कोरिया। ये नेगलेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा जब नाक से शरीर में प्रवेश कर लोगों को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। यह आमतौर पर तब होता है जब लोग तैरने जाते हैं यानी गोताखोरी करते हैं, तो उन लोगों के समय ये नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया है, इस योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो विकल्प ए 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसमें 18 तरह के जो है कि कार्यों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को समर्थन और कौशल प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण से शुरू की है, और इसमें जो है कि 18 टाइप के जो है कि कार्यों को शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगली पीढ़ी को क्या करना? सशक्त बनाना। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में घोषित किया था। कब किया था? 2007 में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? अजय बंगा। विकल्प ए अजय बंगा। देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यशोभूमि। विकल्प बी यशोभूमि। यशोभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। इसमें भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। यह दिल्ली के द्वारका में बना है। कहाँ बना है? दिल्ली के द्वारका में बना है। पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा MIC मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिटेशन सेंटर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। 4 जो है कि रनवे वाला कौन सा एयरपोर्ट बना है? तो विकल्प ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है कि 4 रनवे वाला जो है कि भारत का पहला एयरपोर्ट बनाया गया है। इसके बारे में, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के 4th रनवे का उद्घाटन किया, जिससे प्रतिदिन लगभग 1400-1500 हवाई यातायात से बढ़कर प्रतिदिन लगभग 2000 हवाई यातायात होंगी। तो इस तरह से जो है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को ये किया गया। अगला है,
हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग विकल्प ए, नीति आयोग। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और नीति आयोग के CEO श्री BBR सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है, ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लीसा। विकल्प बी, लीसा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विक्टोरिया। विकल्प ए, तो विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एड्रूज ने कहा कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर अब जो है कि भारत हो गया है, विकल्प सी, भारत। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2023 तक भारत की अप्रैक्स जनसंख्या 143.7 करोड़ थी। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? विकल्प ए, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1945 में, मुख्यालय Washington DC, अध्यक्ष अजय बंगा। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे प्रभावी और स्वच्छ स्रोत बनाना और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सामर्थ्य बनाना। अगला प्रश्न, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण क्षेत्र, साउथ जोन। दक्षिण क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। उप विजेता पश्चिम क्षेत्र रहा। 2023 दिलीप ट्रॉफी का 60वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दावोस, स्विट्जरलैंड। विकल्प ए, दावोस, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जा का निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद रियासत। विकल्प डी, हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम मीर बरक्कल अली खान बालासान मुकर्रम जार बहादुर का निधन हो गया। वे पिछले एक दशक से तुर्की में ही रह रहे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, बिहार। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी कर दिया है। नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79%, मध्य प्रदेश 36.65%, केरल इस मामले में सबसे अच्छा है। केरल कैसा है? सबसे अच्छा है।
हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मेगा वृक्षारोपण अभियान का विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के बिठूर कुटी आश्रम में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अगरतला। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। जीएसटी भवन आम नागरिकों को जीएसटी से संबंधित मामलों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। राजस्थान अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुल्तान अहमद अल जाबेर, विकल्प डी, सुल्तान अहमद अल जाबेर। सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में COP28 की मेज़बानी करेगा। हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजस्थान। विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। कितने दिन? 125 दिन मिलेगा, जो कि मनरेगा में 100 दिन का है। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शांतनु गुप्ता। विकल्प बी, शांतनु गुप्ता। भारत के में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नवीन पटनायक सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हाल ही में किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली के जल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। जल मंत्री कौन है? सौरभ। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प बी सही है, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और समर्पण का जश्न मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला था और यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था, जिसके बाद से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया। इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास, समावेशिता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है किस सोशल प्लेटफार्म ने अपना लोगो बदला है? यह जो है कि विकल्प बी ट्विटर पर पहले जो है कि चिड़िया का निशान था, अब एक्स का निशान हो गया। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO हैं लिंडा याकिरिनो इसके जो है कि CEO हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अमेरिका। यह अमेरिका फूल ब्रूड रोग में होने वाले मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरिया पैनी बैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। अगला प्रश्न है, अटल स्मारक कहाँ बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहाँ का राज्यपाल जो है कि मंगू भाई सी पटेल है और मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दिल्ली। भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले के अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निर्देशक मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी काजी रंगा नेशनल पार्क। इस तरह से आप लोग को टॉप 100 से प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया जो हर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। इसे आप लोग जो है कि तैयार कीजिए और आप लोग जो है कि इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।